अस्सलाम वालेकुम टू ऑल नेट माल दियो बच्चों, एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों बहुत हिम्मत जहाज ने, और आज हमने काला जी की किस्मत का फैसला कर लेना है कि हमने उनके अंदर कौन सा इंजन पवाना है और कौन सा नहीं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम पिछली वीडियो में लाला जी मेरे फ्रेंड से दो अदद इंजनों के एस्टिमेट लेके आए थे। यहाँ पे हमारे पास इंजन चेंज करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहली ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है जी R18 टर्बो के गाड़ी के अंदर फिलहाल अभी जो इंजन मौजूद है उसको हम टर्बो कर लें। R18 को टर्बो करते हमारा तकरीबन कोई 9,35,000 खर्चा आएगा। दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है जी K20 टाइप आर, और गाड़ी के अंदर K20 टाइप आर विच करने में हमारा तकरीबन कोई 21,05,000 का खर्चा आएगा, जिसमें जो ऊपर वाला 5,000 है उसका हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। फुल टाइम ही हैवी बम्पर ऑफर फॉर यू। तो आज हमने अपना आखिरी फैसला करके गाड़ी लाला जी मेरे फ्रेंड के पास छोड़ आनी है ताकि इसका इंजन चेंज करने वाला जो काम शाम है उसकी शुरुआत कर दी जाए। ये पहला काम निपटाने के बाद आज हमने अपशी ब्लैक के अंदर सैर सूर करनी है। आज हमने अपशी ब्लैक को लेकर जाना जी आर्गन वेल्डिंग वाले भाई के पास, उनके पास जाके गियर के जो ऊपर वाला ब्रैकेट टूटा हुआ है उसको हमने जाके वेल्ड सेट करवाना है। उसके बाद हमने जाना जी अपने फ्रेंड उमेर जेड फ्रॉम FTZ टायर स्कूल, उसके पास जाके कालिया साहब के नवे रिम चुके आने हैं जो कि हमने उनको पेंट शेट होने के लिए दिए हुए थे। मैं वैसे एक चीज का हिसाब लाया, अगर बंदा घर वेला बैठा हो ना तो उसको रोजा वावी अभी किस्म का लगता है, लेकिन अगर ये काम शाम करने में मसरूफ हो ना तो उस्ताद जी रोजा ऐसे खत्म होता है जैसे सुहाब का काम हो। और ये बगैर किसी तरीके जी अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और जितने भी काम शाम है सारे के सारे भुका के आते हैं। आज के PR पैकेज के ऊपर आया तो यहाँ पे हमें 40 टॉप वे पलंग से खूबसूरत टी शर्ट आई है और साथ में एक चिट्ठी भी आई है। चिट्ठी के ऊपर क्या लिखा है उस्ताद जी, ये चेक करो। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू टू ट्राई दिस टी शर्ट फ्रॉम 40। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टनिंग क्रिएशन विद द वर्ल्ड एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस। उस्ताद जी इंज दियां गल्लां सीधे जाके मेरे दिल ते वजदियां ने। लव यू टू जी। आपको उस्ताद जी टी शर्ट का गेड़ा करा तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे आपके भरा का जी काले साहब बना हुआ रिंग रोड के ऊपर प्रवास करते हुए। उसके अलावा ये देखो जी यहाँ पे मैं जो फ्रंट वाली शील्ड थी ना वो थले आई हुई, इसको मैंने बन के ऊपर कर लिया। और इस शर्ट की जो सबसे मजेदार चीज मुझे लगी है ना वो इस शर्ट के पीछे है उस्ताद जी, ये चेक करो फ्रेश वैशी मंडे फॉर यू। तो उस्ताद जी अगर आपको इस तरह की टी शर्ट वगैरह चाहिए तो आप 40 टॉप वेयर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी जो भी टेस्ट वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। मौसम की सूरत हालत है तो उस्ताद जी तपती तपती धूप निकली हुई है, लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, अफतारी के बाद स्मोक बैंसन काला जी के बीच मौजूद है जी चिल इजी फॉर यू। तो हम ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फ अंदोज होते हुए अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के जी काला जी के बीच होते हैं। सबसे पहले उस्ताद जी ये तो खुल जा सिम सिम होता नहीं है, बटन ही दबाना पैंता कितने है ए। हाँ जी हूँ खुल गई जाए और आज एक बार फिर यहाँ पे किस्मत आजमाई हो जाए। उस्ताद जी आज एक बार फिर हम एक और शर्त लगाते हैं। और ताड़ी खैर उस्ताद जी गाड़ी अंदर से पूरी तंदूर हुई हुई है, गर्मी के अंदर खड़ी रही है फुल टाइम तपती तपी धूप के थले और भी अंदर फुल टाइम जी सेका सिस्टम चल रहा है। शर्त क्या लगाते हैं आज की, अगर गाड़ी हमारी फर्स्ट ऑफ स्टार्ट हो गई तो मैं आप लोगों को गिव अवे करूँगा, अगर ना हुई तो मैं नहीं करूँगा। तो उस्ताद जी ए सी चुकी अपनी चाबी, इसी करी चाबी गड्डी दे विच एक दो तीन गो। लो जी आज एक बार फिर आपका भरा जीत गया, दूसरी बार भी आपका भरा जीत गया, तीसरी बार जाके आप जीते हैं। इस वजह से उस्ताद जी गिव अवे काइंसल। कितनी कोई गंदी आवाज थी कोर्स स्टार्ट पे, गड्डी शाडी इतनी गर्म शर्म हो गई है तो हूँ मैं थोड़ा जि ठंडा ठंडा हो जाए चिल आईसी फॉर यू ए ते नाल ए ठंडी ठाक हवावा फॉर यू। तो आइए सीधा जाके बचते हैं जी खान क्रू दी धरती दे उते। गाड़ी के मीटर ने लगता उस्ताद जी भंग पी लिया, इसका रोजा लग रहा है देखो जी। ये मैं ब्रेक मारी डायरेक्ट ही जीरो थे, ये मैं चलाई फिर उस्ताद जी उते, ये ब्रेक मारी फिर जीरो थे, ये चलाई फिर उते। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, ए चेक करो जी फ्रेश ही इज बैक। और जैसा आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि बारिश की वजह से हमारी गाड़ी अंदर से पूरी पानी पानी हो गई थी उस्ताद जी, हमारी गाड़ी अंदर पूरे का पूरा छप्पड़ बन गया था, लेकिन अब हमारी गाड़ी अंदर से पूरी तरह सूसू गई है। और आप देखते हैं आपको पूरी गाड़ी के अंदर कहीं भी जंग का एक जरा भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपके भरा ने कराई हुई जी फ्रेश फाइबर दी लेयरिंग फॉर यू, जो कि हमारी गाड़ी को हर किस्म के पानी से और जंग से सुरक्षित रखती है। और अभी हम जाने लगे जी अपशी ब्लैक के अंदर झूले लेने, लेकिन झूले लेने से पहले उस्ताद जी ट्यूब नवी पाएगी हमारी सजी साइड का भी टायर लीक कर रहा है और हमारी खबी साइड का भी जो टायर है वो भी लीक कर रहा है, और इनका लीक करना बनता है क्योंकि जो टायर है ये 2013 के डेट के हैं। तो उस्ताद जी इनकी जो मदर सिस्टर है चंगी भली 1122 होगी, इनकी जो किनारियां सारी सारी 7 अप हो गई हुई है, उसके अलावा टायर भी बहुत हार्ड हो गया और उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं। तो बैक वाले जो दोनों टायर हैं उनको मैं वैसे भी चेंज कर लूंगा, सबसे पहले दोनों टायरों के अंदर हवा भरवाते हैं, उसके बाद अपशी ब्लैक के अंदर दूसरी बैटरी भी चेंज करते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ पर
बस करते हैं। अपशी ब्लैक को चुक के लेके जाने लगे जी आर्गन वेल्डिंग वाले काम शाम के लिए। ये देखो जी नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हैं। के चुनी टाइप पर 100 सॉल्व फॉर यू। ये देखो जी आपके भरा ने यहाँ पे हाजी इंजीनियर का मुजाहरा किया। जो बैटरी के पोल हैं वो बड़े हैं, हमारे टर्मिनल छोटे हैं, तो हमने यहाँ पे नरम तार का प्रयोग करते हुए दोनों चीजों को उस्ताद जी आपने बंधन दिया और इनका टाइट किस्म का संबंध बना दिया। तो आइए उस्ताद जी अपशी ब्लैक को स्टार्ट शूट करके चेक करते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट होती है कि नहीं। ये खड़ी जी साड़ी चाबी एसी की चाबी बिच इंज करके लो जी पहले देख लो जी न्यूट्रल है कि नहीं, ये ना अगे लॉन्च बज जाए। 1 2 माशाल्लाह से उस्ताद जी फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। तो मीटर चेक करो भरा दा हो गया युते। अपशी ब्लैक को चुके हम पहुंच गए जी लोधी आर्गन वेल्डिंग वर्क्स के ऊपर। और यहाँ पे हमें एक बहुत दिल दला देने वाली खबर मिली है कि उस्ताद जी हमारे जो पिछले दोनों टायर हैं वो जी फारिग हो चुके हैं। तो उस्ताद ट्यूब नवी पाएगी खब्बी साइड पे भी नाल सजी साइड पे भी। दोनों टायरों की जो किनारी है ना बिल्कुल ही खत्म हो गई क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई भी है। तो जब हम उसको एयर कंप्रेसर से भरने की कोशिश करते हैं जो पोर्टेबल वाला होता है उसकी किनारी ना बार बार लीक करती रहती हैं। उसके अलावा यहाँ पे उस्ताद जी हमने अपशी ब्लैक की एंट्री करवा दी मैदान जहाँ के विच आप देखते हैं यहाँ पे हमारा जो कुत्ता ब्रैकेट है ना उसका हिसाब किताब लगाने लगे हैं। ये देखो जी फ्रेश एनू आखिरी बार देख लो जी चार लम्हात के बाद आपको जी फुल टाइम लकड़ा जम पत्थर जम हालत में नजर आएगा। उसके अलावा भाई ने यहाँ पे अपनी फुल तैयारियाँ करी हैं। ये चल जी फ्रेश काले रंग का हेलमेट फॉर यू। अपशी ब्लैक की बैटरी भी हमने डिस्कनेक्ट कर दी है और साथ साथ इसका जो इश्यू है उसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उस्ताद जी जब भी आपने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवानी है आर्गन वेल्डिंग करवानी है आपने ये काम लाजमी करना है वरना हो सकता है कि उस्ताद जी पटाखा बज जाए। आर्गन वेल्डिंग यहाँ पे हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसके ऊपर ग्राइंडर मार के उसको जी फुल टाइम मुलायम और पोला पोला करेंगे। चेक करो जी यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है ऑल थैंक्स टू लोधी आर्गन वेडिंग वर्क्स फॉर यू। गाड़ी का काम शाम करवाने के बाद उस्ताद जी हम पहुंच चुके अपने फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस कॉल। तो उस्ताद जी पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे बाय द ग्रेस ऑफ अलरमेटी जितने भी रिमशिम थे जितनी भी चीजें मीजियाँ थी सारी की सारी हमने यहाँ पे उस्ताद जी होल सेल रेट पे बेच दी थी। तो उस्ताद जी आज एक बार फिर इतने अन्नी पैन लगी जी भाई ने यहाँ पे फ्रेश स्टॉक मंगवाया है। ये 15 इंच रिम्स का है, ये 16 इंच का है, 17 इंच का है, 13 इंच का है, 12 इंच का है, सारों का है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जी 15 इंच वाले रिम्स के साथ। तो ये है जी उस्ताद जी 15 इंच के विच एनकाई रिम्स। उसके बाद ये है एडवांटी रेसिंग, ये है जी 5-8 रोटी फॉर्म कर्विंग स्टार, ये उस्ताद जी एनकाई का रिम है। SSR टाइप सी 8D डिस्कॉन केव रिम, ऐसा मैं नाम नहीं आता ये नाम लूम रिम है। उसके बाद वर्क इमोशन एडवांटी म्यूगन MF इमोशन होंडा का कर्विंग स्टार। उसके बाद ये आ गया जी वेट स्पोर्ट, ये आ गया आपका एडवांटी और साजी एक बार फिर वेट स्पोर्ट रिम फॉर यू। रिम्स के बाद अगर हम पीछे चांकी मारे तो यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर गाड़ियों के डिफ्यूजर आते हैं। ये उस्ताद जी ट्राइंगल वाला है, ये गोल गोल है, ये फिर ट्राइंगल है, तो उस्ताद जी एक बार फिर गोल गोल है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिकारो की ओल्ड स्कूल बकेट सीट्स नजर आती हैं, तो ये उस्ताद जी थोड़े नवे मॉडल वाली बकेट सीट्स नजर आती हैं। बकेट सीट्स के अलावा यहाँ पे BMW का रिम पड़ा हुआ है, वोजन CV3 पड़ा हुआ है, लेग्जास पड़ा हुआ है और साथ में उस्ताद जी बाकी भी बहुत सारे यहाँ पे रिम शिम पड़े हुए हैं। ये थोड़ा मुझे एक बार झांकी करा दें सारे की। ये देखो जी ए डी बिश है, ये देख लो जी सारे सारे ए उस्ताद जी ए ते उत्थे नुकर च करके टायर भी वादू पए ने। ठीक है जी, तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीजें मिलियां चाहिए तो आप हमारे फ्रेंड नबीर इस्लाम फॉर्म एंड परफॉर्मेंस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 74 सेल नहीं है, ठीक है जी, ऐसा कोई मजाक नहीं है। दिन नंबर 2 सबसे पहले जाकर हमने डलवाना है जी फ्रेश 2050 पेट्रोल फॉर यू क्योंकि उस्ताद जी पेट्रोल नीचता। उसके बाद हमने सीधे जाके बजना अपने फ्रेंड उमेर जेट फ्रॉम एफ्रीजा टायर स्कूल, उनके पास जाके हमने काले साहब के रिम चुकने हैं। उसके बाद हमने जाके बजना जी खान क्रू दी धरती दे उत्ते, वहां पे जाके आज हमने काला जी की ओपनिंग सेरेमनी कर देनी है और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस्ताद जी हमने कौन सा इंजन गाड़ी के विचफिट करना है। लेकिन हम सारा कुछ करेंगे जी फ्रेश चिल ऐसी चलान तो बाद पेट्रोल इन द टैंकी न करे मेरे नाल कोई हैंकी पैंकी। रिम्स हमने चुक लिया अपने फ्रेंड उमेर जेट फ्रॉम एफ्रीजा टायर्स को। तो उस्ताद जी तुसी चेक कर सकते हो यहाँ पे माजो काम है फुल टाइम बिस्कुट डाइट यसमैस जैगा मैंगो और लशपश हो गया रह गया। हमारे जो नुकरों में कवरिंग वाला मसला था वो सारा का सारा हमारे फ्रेंड उमेर जेट ने जर्स उखाड़ के रख दिया है और उस्ताद जी माजो यहाँ पे काम है वो जी फुल टाइम टैट हो गया। अब हमने रिम्स के साथ लगानी जी एक छोटी सी वरायटी, लेकिन वो वरायटी हम लगाएंगे जी अगली वीडियो दे विच। और एक बार फिर हम जूजन जी खान ग्रुप पे लाल जी मेरे फ्रेंड को HRV एंड काला जी यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको K20 टाइप पास होने डेल्सो नजर आती है, साथ में एक अदर सिविक 97 मॉडल विद K24 फॉर यू और साथ में लाल जी मेरे फ्रेंड की नवी 95 फेरियो लाल परी फॉर यू। हफ्शी ब्लैक का जो मंजाई संजाई वाला काम शाम है उसकी शुरुआत कर दी गई है और अब हमारी गाड़ी पेंशेंट वाले काम की तरफ प्रवास कर रही है। गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी थी उसको फिलहाल अभी हम सेटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले ये था कि जो छत की ये वाली लोकेशन है यहाँ पे था उस्ताद जी हल्का सा डेंट, तो यहाँ पे राजा जी डेंट ने आके सारी की सारी तरपाई शरपाई की है और बाद में पेंटर उस्ताद ने सारी के ऊपर पेंट कर दिया। अभी फिलहाल इसकी मंजाई संजाई होगी, इसको यस मस करेंगे और फिर जो ये वाला हिस्सा ये भी
बाकी छत की तरह फुल टाइम जी पोला पोला हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा बैक बम्पर था इसके अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा था, यहाँ से और यहाँ से हमें हल्का गैप नजर आ रहा था, तो हमने पूरा का पूरा बम्पर खोल के एक बार इसकी फिर से उस्ताद जी सेटिंग मेटिंग की है। और आप देखते हैं यहाँ पे अब जो हमारा काम है फुल टाइम टाइट हो गया इस साइड से भी और इस साइड से भी उस्ताद जी। आप देखते हैं अब आपको यहाँ पे कहीं भी नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। और इंशाल्लाह मैक्सिमम हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छी ब्लैक अपने नवे पेंट के साथ लश्कारे मारते हुए नजर आएगी। खान किलो के तमाम बशिंदों ने यहाँ पे इफ्तारी कर ली है, मगरिबी नमाज भी पढ़ ली है और उसके बाद पिया जी तपाल दानेदार लगे ठाक करके वाली चाय। और अब हम काला जी की एंट्री करवाने लगे जी खान किलो के बीच और उसका जो इंजन है उसको हम चुके बाहर छुटने लगे हैं। 240 की सीट पे इसका सारा का सारा काम शाम किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखते हैं गाड़ी कितना भी फ्रंट थोपड़ा था सारा का सारा चुके उस्ताद जी हमने बाहर छोड़ दिया। उसके अंदर इसका कंप्रेसर भी आया था, रेडिएटर भी आया था, फ्रंट जो हेडर्स हैं वो भी हमने चुके बाहर छोड़ दिए हैं। उसके अलावा और जो चीजें मीजें थी वो भी सारी की सारी हमने बाहर चुके छोड़ दी हैं। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे इंजन के अंदर से आपको तेल की धारें नजर आ रही हैं। ये धारें कहाँ से लीक हो रही हैं तो उस्ताद का जो टैपेट कवर है वो सारा का सारा लीक है। उसके अलावा इसका जो फ्रंट कस्टम मेड हेडर्स बनाए थे वो आपको चेक कराओ तो उस्ताद जी देखो यहाँ पे हैवी इंजीनियर का मुजाहरा किया गया है। यहाँ पाइप है जी 1.75 का या 2 इंच का या 3 इंच का और आगे जाकर उस्ताद जी मेरे ख्याल में 3.5 हो जाता है। गाड़ी का जो थोड़ा बहुत साफ ही आता है ना इसकी वजह से सारा का सारा उस्ताद जी घुट गया है। उसके अलावा जो भी हमने चीजें मीजें उतारी है सारी सारी चुके हमने गाड़ी की डिग्गी के अंदर छुट दी है। आपको चेक कराओ तो उस्ताद जी ये देखो डिग्गी हमने सारी सारी यहाँ पे भर दी है। ये चेक करो जो भी सामान समून उतरा सारा का सारा चुके हमने डिग्गी में छुट दिया ताकि कोई भी सामान तितर बितर ना हो जाए। जो सामान डिग्गी के अंदर फिट नहीं आया उसको हमने चुके गाड़ी के अंदर छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं उस्ताद जी बाकी का जो सामान है वो सारा का सारा हमने बैक सीट के ऊपर छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे हम इफ्तिताह करने लगे हैं इंजन को बाहर निकाल के छुटने का। यहाँ पे हमारे साथ हमारे बशिंदे मौजूद हैं सत्यान साहब, अबूबकर साहब और उस्मान साहब और यहाँ पे इन्होंने इंजन को 3 टंगी के साथ टंग के रख दिया है। अब सिर्फ ये वाला माउंट खुलना है और एक वो वाला खुलना है उसके बाद उस्ताद जी जो इंजन है उन्हें बाहर आ जाना है। इंजन बाहर आने लगा जे ये चेक करो तू बह के अंब ले रहा चल खड़ा होके मेहनत मजदूरी कर खड़ा होके मेहनत मजदूरी कर तू कटो बार दो जी लगता है इंजन कहीं फंस रहा है। लो जी ट्राई नंबर 2 इंजन बाहर आ रहा हूँ ये चेक करो जी फ्रेश पत्ते कुदरत भी साथ आएगी इंजन के आ गया जी बाहर आ गया जी ये हल्की जी कितनी हो रही है पीछे हो गई है। लो जी इंजन आ गया जी बाहर काला जी का जो इंजन है वो उस्ताद जी हमने चुके बाहर छोड़ दिया। अब हमने कौन सा नवा इंजन काला जी के बीच खरीद करना उस्ताद जी उड़ा तुम्हें मैं दीदार करावा ये चेक करो जी यहाँ पर राजा जी डेंटर वेल्डिंग शेल्डिंग कर रहे हैं ये फ्रेश डैशबोर्ड पड़ा हुआ है। अगे देखता हूँ यहाँ पे आपको एक 2000 है नजर आती है ए इंटेग्रा जी ए कंप्रेसर है ये हमारी एफसी ब्लैक की डिग्गी है ये चेक करो जी फ्रेश ये भी इस प्लास्टिक के बीच स्पॉइलर फॉर यू आ गई अंधेरी गली है ये देखो जी नेरा ही नेरा ये चार पहिया ये पैडल है ये बूह है ये पतीली है ये सिलेंडर है। और उस्ताद जी यहाँ पे आप एक निगाह मार लें इस तरह करके और आपने खुद हिसाब लगाना है कि हमने कौन सा इंजन सेलेक्ट किया। आपको इंजन नज़र आ गया होगा वीडियो में तो जिन जिन लोगों को उस्ताद जी पता चल गया कि इंजन कौन सा है कमेंट सेक्शन में उस्ताद जी ने तुक छुके मारो। उसके अलावा उस्ताद जी सीटें चेक करो फ्रेश फ्रॉम शाइन मॉडिफिकेशन ये जो सीट्स हैं ये हैं जी डल्सोल के लिए लेकिन जी डोंट टेक टेंशन अफ्तारी के बाद स्मोक बेंसन इस तरह की सीट्स हम काला जी के लिए भी लेके आएंगे। हम अपने फ्रेंड अरशद साहब को यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन की दुनिया के अंदर कदम रख लिए। उस्ताद जी ये चेक करो इन्होंने फ्रेश अपनी 1.6 अल्टस के ऊपर 18 इंच के रिम्स रोके हैं। उस्ताद जी देखो फ्रेश वोजन दे रिम्स फॉर यू 18 इंच के बीच और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है वो कितने है ये देखो जी 205/40/18 दी। अभी फिलहाल आप इस टाइम गाड़ी जी फुल टाइम यहाँ पे खोता लास्ट को मेरा हाथ छोटा पड़ गया एक उंगल और कर लो तो मैंने कोई 6 उंगलियों का भाया है लेकिन जी टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि मेरे होते हुए आप लोगों ने कभी टेंशन नहीं लेनी सिर्फ परेशान होना है। इसको हम लो करके इसकी जी टायर किस्म की फिटमेंट भी बनाएंगे लेकिन इस गाड़ी के जो भी काम शाम है सारे के सारे हफ्सी ब्लैक और काला जी तैयार होने के बाद होंगे। ये भी काला जी है ये देखो जी ए चर्बी देखो फैट पर्सन ओनर ऑफ K20 टाइप आर 100 डैशबोर्ड। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़।